नमस्कार, आप देख रहे हैं namoformedia.com। आपको बता दें, झांसी जिले के मौट थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रक खड़े डंपर से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। आग की चपेट में आने से कंडक्टर की जलकर मौत हो गई, जबकि चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। झांसी जिले में मौट थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप के पास रात्रि के समय एक डंपर खड़ा हुआ था। इसी दौरान वहां लखनऊ की ओर जा रहा एक ट्रक पहुंचा और अनियंत्रित होकर टकरा गया। इससे पहले ट्रक चालक कुछ करता, उसमें आग लग गई। चालक ने किसी प्रकार कूदकर अपनी जान बचा ली, जबकि कंडक्टर ट्रक में फंसकर जिंदा जल गया और उसकी मौत हो गई। सूचना थाने की पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया। उसके बाद पुलिस ने घायल कंडक्टर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसने इलाज के दौरान मौत हो गई। पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट झांसी। घटना अभी 4:15 बजे के लगभग जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हम लोगों को, वैसे ही हमारे यूनिट प्रभारी शिव बहादुर सिंह और मैं यूनिट के, हम सभी लोग दो गाड़ियों के साथ आए। यहां पर देखा कि गाड़ी में भयंकर रूप से आग जल रही थी और हादसा तो ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत तगड़े किस प्रकार से हुआ इसको तो अभी क्लियर नहीं किया जा सकता। ड्राइवर जो है हम लोगों को नीचे उतरा हुआ मिला है, किस प्रकार से क्या हुआ, और हमारे फायर यूनिट ने हमारे शिव बहादुर सिंह की अध्यक्षता में दोनों गाड़ियों ने पंपिंग करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया। उसके बाद इसमें कोई और फंसा था क्या? हाँ, एक व्यक्ति इसमें जो फंसा हुआ था केबिन में, शायद वो लेटा हुआ था, जिसको कि अभी सवेरे अंधेरे में तो नहीं दिखाई दिया आग बुझाते समय। अभी जब इसको क्रेन से जब खिंचवाया गया तो उसमें एक जली हुई बिल्कुल डेड बॉडी मिली, जिसको मतलब जैसे क्लीनर ही होगा जहाँ तक